आज की इस वीडियो में हम द लिविंग वर्ल्ड के, के बारे में करेंगे और समझेंगे। जैसा, कि आपने देखा जैसा कि आपको पता होगा कि असर्जन रीजन टाइप के क्वेश्चन में क्या चोसेज होती है बट फिर भी एक बार आप देख लीजिए क्या क्या ऑप्शन सही रहेगा पहला जो ऑप्शन होगा वो होगा बोथ असर्जन रीजन ट्रू होंगे उसमें और रीजन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा असर्जन का सेकेंड जो ऑप्शन होगा उसमें बोथ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए तीसरा ऑप्शन होगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स फोर्थ होगा बोथ ए एंड आर आर फॉल्स ठीक है तो ये हमारी चॉइसेस रहेगी अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को स्टडी करना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को जानने से पहले समझने से पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए कि किस तरह से हम क्वेश्चन को अच्छे से अप्रोच करेंगे ठीक है जैसे असर्जन और रीजन के दो स्टेटमेंट आपको दिए गए तो सबसे पहले आप देखिए कि असर्जन और रीजन के स्टेटमेंट सही है या गलत है ये पता करने के बाद में आपको पता करना है कि इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है कि नहीं है एक्सप्लेनेशन पता करने का एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले आप रीजन को स्टडी कीजिए ठीक है रीजन को जब आप रीड करोगे जैसे मोस्ट एक्सेप्टेड स्पीसीज कंसेप्ट वॉज गिवन बाय लेनायस तो इसके बाद आपको बीच में लगाना है बिकॉज फिर आपको असर्जन को रीड करना है बिकॉज बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज इज बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्या ये रीज़न जो है असर्जन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो पा रहा है या नहीं ये अगर आपको पता चल जाता है तो आपको आंसर पता करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी तो यहाँ पे रीजन और असर्जन के बीच में आपको बिकॉज लगाकर एक सेंटेंस जोड़ने की कोशिश करनी है इसको एक्सप्लेनेशन पता करने की कोशिश करनी है कि सही है कि गलत है ठीक है तो एक बार ट्राई करते हैं हम सबसे पहले हम रीड करेंगे असर्जन को बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज इज बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन रीजन दिया हुआ है मोस्ट एक्सेप्टेड स्पीसीज कंसेप्ट वॉज गिवन बाय लिनायस। तो आप इसको थोड़ा सा पोज कीजिए और सोचिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है फिर मैं आपको बताता हूँ। नमस्कार आप सभी को मेरा नाम है कमल खोरवाल और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो ये रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा है इस सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस पर ऑल के ऑप्शन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली सभी वीडियोज़ की नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे तो इसका ताँ सही आंसर जो होगा वो होगा आंसर नंबर थ्री यानी कि असर्जन जो है वो सही है रीजन है वो गलत है ठीक है तो इसका जो रीजन है वो गलत कैसा है कि मोस्ट एक्सेप्टेड स्पीसीज जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था लिनाइस के द्वारा ये रीजन में लिखा हुआ है बट ऐसा नहीं है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसी जो है वो दिया था अर्नेस्ट मेयर ने क्वेश्चन नंबर सेकंड इज असर्जन पैंथेरा इज अ पॉलिटिपिक जेनेरा रीजन पैंथेरा हैज स्पेसिफिक epithet लाइक लियो टाइगरिस पार्डस तो सबसे पहले हम पता करना है कि दोनों स्टेटमेंट सही है या गलत है अगर ऐसा कुछ भी पता नहीं चलता तो आप सबसे पहले क्या कीजिए पैंथेरा है स्पेसिफिक एपिथेट लाइक लियो टाइगर फिर आपको लगाना है कि नहीं लग रहा है क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनशन है कि नहीं है ये आपको पता चल जाता है तो यानी कि इसका आंसर आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर फर्स्ट यानी कि असर्जन और रीजन दोनों सही है और रीजन जो है असरजन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है पैंथेरा इज अ पॉलिटिपिक जेनेरा बिकॉज इट हैज मोर देन टू स्पेसिफिक एपिटेट लाइक लियो टाइगरिस पार्डस ओके क्वेश्चन नंबर थर्ड इज असरजन। सिनोनिम्स आर कंसर्न विथ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ आईसीबीएन रीजन आउट ऑफ द टू और मोर साइंटिफिक नेम्स गिवन टू दर्गेनिज्म पता कीजिए अच्छे से रीड कीजिए और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर वन असर्जन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज ए असर्जन A group of closely related families from an order. Reason: The families of an order show the close resemblance in certain fundamental features and also in evolutionary trends. And the correct answer hoga, wo hoga answer number one. Assertion and reason both are correct and also correct explanation. Question number 5 is: Assertion: a Species is a genetically closed system. रीजन बिकॉज द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कंस्टीट्यूट द मोस्ट इंपॉर्टेंट बाउंड्री बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर वन यानी दोनों के दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है स्पीसीज इज जेनेटिकली क्लोज सिस्टम बिकॉज द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कंस्टीट्यूट द मोस्ट इंपॉर्टेंट बाउंड्री बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज क्वेश्चन नंबर सिक्स इज जन मेंबर्स ऑफ स्पीसीज आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द मेंसिक टेक्सोनोमिकटेगरी और इसका सही जो आंसर होगा वो होगा बट नोट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्जन क्वेश्चन नंबर सेवन इज असर्जन साइंटिफिक नेम्स फॉर प्लांट है रीजन नेमिंग सिस्टम विच यूजेस थ्री वर्ड फॉर्मेट गिवन बाय लिनायस इसका सही जो आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर थ्री यानी कि जिसमें असर्जन सही होगा और रीजन गलत होगा सॉल्यूशन है इसका ट्राइनोमियल नोम वॉज गिवन बाय लामार्क नॉट लिनायस तो ये ट्राइनोमियल नोम क्लेचर जो है थ्री वर्ड फॉर्मेट से होता है इसका मतलब ये जो दिया था वो लिनायस ने नहीं दिया था वो लामार्क ने दिया था अगर आपको इनसे रिलेटेड लर्निंग ट्रिक लाइन चाहिए यानी कि आपको ये ट्राइनोमिन नोम क्लेचर बाइनोमिल नोम क्लेचर इनके फादर्स के नाम याद करने हैं तो इसकी जो लर्निंग ट्रिक लाइन है वो हमने हमारे चैनल पे अपलोड करी हुई है आप उन्हें देखकर इनको अच्छे से याद कर सकते हो बाकी मैं आई बटन में एक लिंक दे दूंगा या आपको लास्ट के वीडियो के एंड में भी आपको लिंक मिल जाएगा या आप डिस्क्रिप्शन में जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर एट तीस बोटेनिकल गार्डन आर एक्स कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी ऑफ प्लांट्स रीजन नेशनल बोटेनिकल गार्डन इज सिचुएटेड एट हावरा क्या सही एक्सप्लेनेशन है दोनों एक दूसरे के या स्टेटमेंट सही है दोनों और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर थ्री यहाँ पे जो असर्जन है वो सही है रीजन जो है वो गलत है क्योंकि ये हावड़ा में नहीं है ये लखनऊ में है ठीक है नेशनल बोटेनिकल गार्डन इज सिचुएटेड एट लखनऊ तो यहाँ पे रीजन गलत है असर्जन सही है क्वेश्चन नंबर नाइन इज असर्जन ड्राइड आर बाय रीज़न इट प्रोटेक्ट द स्पेसिमेन फ्रॉम द मॉइस्चर और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर थ्री यहाँ पर जो रीजन है वो फिर से रीजन गलत है असर्जन सही है क्वेश्चन नंबर टेंथ इज असर्जन टू प्लांट्स ए एंड बी आर ट्रीटेड एज टू टेक्सोनोमिक स्पीसी रीजन बोथ ए एंड बी आर डिफरेंट इन को रिलेटेड कैरेक्टर्स और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर वन अजन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड ऑल्सो गिवस करेक्ट एक्सप्लेनेशन और इसी के साथ आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ